हेलो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास एट्थ। योर लर्निंग टॉपिक इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आज के क्लास में आपको आज फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे है थर्ड डे आपका है तीसरा दिन है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बता रहा है। कृषि उपकरण, कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं पहले किसी इसको डिफाइन कर देते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट हिंदी कर देते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, वह उपकरण जो प्रयोग में लाया जाता है इन एग्रीकल्चर कृषि में जो प्रयोग में लाया जाता है इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, उसको कहते हैं कृषि उपकरण, कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण या कृषि उपकरण। फर्स्ट पॉइंट पे इसका जो है कौन कौन से है, फर्स्ट पॉइंट पे डील करता हूँ। पहला फर्स्ट जो है उसमें जो है फर्स्ट पॉइंट भी इसमें जो फर्स्ट है वो है प्लाउ PLOUGH प्लाउ। ठीक, सेकंड जो है इसमें है वो है HOE और थर्ड जो है इसमें जो है वह है कल्टीवेटर। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट प्लाउ हल है ना, सेकंड में है हो और थर्ड जो है कल्टीवेटर। ठीक, चलिए प्लाउ के बारे में बताते हैं, प्लाउ क्या है, से क्या काम है, कौन कौन से काम में आता है, कैसा इसका होता है कंस्ट्रक्शन, कौन कौन चीज का बना होता है। ठीक प्लाउ PLOUGH प्लाउ, प्लाउ मीन्स हल। इट इज एन एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट which is used, which is used, which is used to loosening, and tilling the farm means खेत या फील्ड। ठीक, it is made up of iron or wood. It is made up of iron and wood. यह जो बना होता है वह लकड़ी का और लोहे का भी बना होता है। ठीक, कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया बताते हैं। और इट है ए
लॉन्ग ना सैफ सैफ इट इज लॉन्ग सैफ। इसमें एक लंबा जो है ना एक सैफ होता है सैप्रेस, उसको जो देहाती भाषा में हरीश कहते हैं, लंबा हरीश होता है ना। ईट ईट कनेक्ट इट कनेक्ट विद इट कनेक्ट विद प्लाउ शेयर प्लाउ शेयर। यह हल जो होता है मेन हल से जुड़ा रहता है ना कौन ए सेफ्ट सेफ्ट जो है वह मेन मुख्य हल से जुड़ा रहता है प्लाउ शेयर से मुख्य हल से जुड़ा रहता है ठीक। ए बीम इज आल्सो प्रेजेंट प्रेजेंट इन इट इट कनेक्ट्स इट कनेक्ट्स और ट्रैप ट्रैप दी इट कनेक्ट्स और ट्रैप दी बोल टुगेदर। देखिए क्या कहता है बीम इज ऑल्सो प्रेजेंट बीम जिसको कहते हैं क्या पालो भी कहते हैं देहाती भाषा में पालो। ए बीम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट में पालो भी होता है बीम भी होता है इट कनेक्ट और ट्रैप या जोड़ने का काम करता है फंसाने का काम करता है दी बुल टुगेदर। बुल माने सांप को या बैल को एक साथ को जो है ना हल में बांधे रहता है ठीक। चलिए तो प्लाव के बारे में तो कहता है कि एट प्रेजेंट टाइम और वर्तमान के समय में एट प्रेजेंट टाइम आयरन प्लाव प्लाव इज पॉपुलर। लोहे का हल इस समय जो है ना ये वर्तमान समय में लोहे का हल जो है ज्यादा लोकप्रिय हो गया है बिकॉज क्योंकि बिकॉज इट सेव लेबर एंड टाइम इट सेव लेबर एंड टाइम टाइम चूंकि इसमें लोहे के हल से खेत को जोतने में मतलब है श्रम और समय की बचत होती है श्रम और समय की बचत होती है ठीक है ना। इसमें जो है ना लोहे के हल थोड़ा जो उसका जो थोड़ा चौड़ा उसका बना होता है उसका जो नीचे वाला है लोहे का है और ज्यादा से ज्यादा जमीन के भाग को जो है ना क्या करता है उखाड़ने में काम आता है इसीलिए पॉपुलर हो गया है। पहले लकड़ी का हल ही प्रयोग में आता था ज्यादा। इसके बाद चलिए हो क्या है हो बताते हैं सेकंड हो एच ओ ई हो और जो यही एक इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है ना हो इज एन एग्रीकल्चरल हो इज एन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट यूज फॉर सोविंग यूज फॉर रिमूविंग यूज फॉर रिमूविंग वीड्स इन द फार्म हो इज एन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट हो भी जो है वह कृषि उपकरण है हो भी जो है वह कृषि उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं खेतों में खरपतवार को क्या करने के लिए निकालने के लिए
खरपतवार को निकालने के लिए करते हैं हो का प्रयोग। ठीक इट हैज, इट हैज ब्लेड, बी एल ए डी टी ई, इट हैज ब्लेड विच इज यूज, विच इज यूज टू ट्रैप डिफरेंट टाइप ऑफ बीड्स, डिफरेंट टाइप्स टाइप्स ऑफ बीड्स, बीड्स एंड अदर एंड अदर अनवांटेड एंड अदर अनवांटेड क्रॉप्स, अनवांटेड अनवांटेड क्रॉप्स क्रॉप्स फ्रॉम दी फ्रॉम फ्रॉम दी फील्ड फ्रॉम दी फार्म फार्म फ्रॉम दी फार्म। ठीक हो का कंस्ट्रक्शन, हो का कंस्ट्रक्शन बताया जैसे इट हैज ब्लेड, ब्लेड इसमें जो पत्ती लगी होती है ना, विच इज यू जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं टू ट्रैप है ना फसाने में, फसा करके खींचने में फसाने में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स विभिन्न प्रकार के खरपतवार को, एंड अदर अनवांटेड क्रॉप्स और अब और दूसरे अवांछनीय है ना पौधे को फसल को अवांछनीय है ना क्रॉप्स के तरफ अनवांटेड प्लांट्स कर दीजिए, क्रॉप अनवांटेड प्लांट्स कर दीजिए, अनवांटेड प्लांट्स अवांछनीय जो है ना पौधे को ना फ्रॉम दी फार्म खेतों में से निकालने में, खेतों में से निकालने में करते हैं। ठीक बहुत अच्छा हो गया क्या हो के बारे में। ठीक और हो के बाद जो है कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर ठीक तीसरा कल्टीवेटर के लिए अभी थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको, एक सेकंड के लिए नोट कर लें और हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक चलिए इरेज करते हैं, साफ करते हैं, हो कर गया होगा साफ करते हैं। थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है या थर्ड इंप्लीमेंट जो है वह है कल्टीवेटर, इसका कल्टीवेटर थर्ड कल्टीवेटर सी यू एल टी आई वी ए टी ओ आर कल्टीवेटर। ठीक कल्टीवेटर इज मेड अप ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ It is made up of iron objects। ठीक ये लोहे की वस्तु से बनी होती है कल्टीवेटर। It is responsible for turning this wire। यह मिट्टी को उलटने पलटने में जोतने में काम आता है कल्टीवेटर से। ठीक इट इज
used at a present time. It is used at a present time because it mixes this soil. Mixes this soil correctly. क्योंकि जो ये मिट्टी को जो मिलाने में अच्छी तरह से ना काम आता है, मिट्टी को अच्छी तरह से मिला देता है ना कल्टीवेटर. ठीक. इट हैज नाइन ब्लेड्स. BLD is nine blades. Okay. Using to penetrate and a proper guard and make proper distance in the soil particle. ठीक. इसको नोट कर लीजिए कि इट हैज ए इट है नाइन ब्लेड्स, इसमें नौ जो है ना पत्तियां होती हैं. यूजिंग टू पेनेट्रेट प्रॉपर गार्ड, जिसका प्रयोग में लाया जाता है उचित गहराई तक भी जाता है, नीचे गड्ढा बनाता है उचित गहराई तक जाता है. एंड मेक प्रॉपर डिस्टेंस इन द सॉइल पार्टिकल्स, और मिट्टी के कण को उचित दूरियों पर रखने का काम करता है. ठीक. इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक एक थोड़ा सा डील कर रहा हूँ, जो आगे का टॉपिक था लेकिन थोड़ा सा कम टाइमिंग अभी हुआ है इसीलिए बता देता हूँ. नेक्स्ट आपका टॉपिक सेकंड टॉपिक जो है वह स्टार्ट कर रहा हूँ. सोविंग SOWING. सोविंग मैंने क्या, सोविंग मीन्स ना बोना, बीज को बोना. सोविंग है, सोविंग है क्या, व्हाट इज सोविंग. सोविंग बताते हैं SOWING सोविंग. ठीक. It is a method. It is a method of scattering seeds. Scattering seeds in the field. It is a method of scattering seeds in the field. खेतों में बीज को बोने का अन्य तरीका है ना, scattering seeds, बिखेरने का, बीजों को बिखेरने का तरीका. इट इज ए मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड. खेत में बीजों को बिखेरने का तरीका जिस तरीके से हम करते हैं, उपयोग करके बीज को बिखेरते हैं खेत में, वह कहलाता है सोविंग, बीजों को बोना. और सोविंग का प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ सोविंग है ना कंप्लीटेड ना इन टू स्टेप्स है ना. बीजों को बोने का जो तरीका जो है दो चरणों में पूरा होता है, वह दो चरण कौन है वैसे कर देंगे, लिखेंगे सोविंग SOWING सोविंग, और करते दो भागों में ऐसे कर देंगे ऐसे सोविंग में. एक है ब्रॉडकास्टिंग, और है ब्रॉडकास्टिंग BROAD ब्रॉडकास्टिंग CASTING ब्रॉडकास्टिंग, या इसको कहते हैं स्कैटरिंग SCA
डबल टी ई आर आई एन जी स्कैटरिंग, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग, ठीक फर्स्ट। और सेकंड जो है वह है इसमें ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग और यूजिंग सीड ड्रिल, यूजिंग सीड ड्रिल, यूजिंग सीड ड्रिल मशीन, सीड ड्रिल मशीन, सीड ड्रिल मशीन, सीड ड्रिल मशीन, ठीक, यूजिंग सीड ड्रिल मशीन, ब्रॉडकास्टिंग या स्कैटरिंग और यूजिंग सीड ड्रिल मशीन। आज का क्लास में इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।